ऐसा में तो आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि जो यूएस इकोनॉमी है वो 2021 तक और नीचे गिरने वाली है, कोरोना वायरस फिर बढ़ने वाला है, बल्कि बढ़ने वाला नहीं बल्कि बढ़ चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिजर्व को ज्यादा ही बढ़ा चुका है और बहुत कुछ बहुत बड़ा फायदा हुआ है पीएसएल का यार। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, देख तो था वो देख लीजिएगा, ये मैं बबल दे रहा हूँ। इससे बड़ा फाइनल नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बताऊं, अगर क्राउड फुल होता, कोरोना वायरस ना होता, क्राउड होता ना, तो मैं आपको बता दूं इससे ज्यादा अच्छा फाइनल हो जाना था। यानी जो एनसीओसी का इजलास है ना, इसके ऊपर सारे मुल्क की जो सूबों की जो छुट्टियां हैं ना वो बेस्ड करती हैं। क्योंकि देखें यार, आज पूरे पाकिस्तान में 2800 केसेस और 42 अंबाती, 4 महीनों के अंदर ये सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हैं और प्लस अंबाते हैं। मतलब यार अब सर्दियां आ रही हैं, हर बंदे को नजला, जुकाम, खांसी। बस कोरोना में क्या होता है, दो तीन चीजें ऐड हो जाती है, एक सांस नहीं आता, दूसरा कमर में दर्द होता है। अब ये जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, ये केसेस पीक पे जाते जा रहे हैं डेली बेसिस, जो डे बाय डे जो 30 से 40 या 50 का गैप आ रहा है, मातों में भी 10-12 का गैप आ रहा है। तो अब मैं अगर अपना जा दूँ तो यार बंद कर दो उसको, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करता, कोई मास्क नहीं इस्तेमाल करता। मैं सीरियसली आपको बता दूँ, ये मैं आपको तालीमदारों का हाल बता रहा हूँ, ये तालीमदारों का मैं हाल बता रहा हूँ। बाकियों का अगर मैं हाल बताने आ गया तो आप तो वैसे ही लॉकडाउन लगा देंगे। देखिए ये जो साल है ये सात साल ही, जब तक कोरोना वायरस ए टू जी खत्म नहीं होता तब तक ये वाला दौर बहुत मुश्किल है। कभी आप बंद कर देंगे, कभी खोलेंगे, तो अभी आप 31 जनवरी तक बंद कर दें। क्योंकि ये जो वायरस है ये सर्दियों में फैलता है, सर्दियों में, क्योंकि जो वायरस होता है, जो आपका जो वायरस होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और ये जो क्वारंटीन वाला जो वायरस, अब इस पर लोग ज़्यादातर क्वारंटीन हो रहे हैं, ठीक है। ये जो कोविड-19 हर बंदे को पता है, यहाँ पे बंद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इंसान अगर उसको वायरस ना भी हो फिर भी वो को नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सर्दी लगती रहती है। कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ हमने खोल दिया। मैं आसपास क्रिकेट मैचेस के जो मैंने आपको पहले शॉर्ट बता दिए तफसील से, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि पिछले साल से जो जनवरी फरवरी में जब ये पिछले दफ़ा आया था, ये जो फर्स्ट लेयर थी हमारी, जो फर्स्ट वेव थी, उसका मुकाबला अगर हम इस ये सेकंड लेयर के स्टार से करें ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। सईद गनी साहब ने भी इस बात पे ट्वीट किया कि कोई अफसर डिफिकेशन नहीं, पढ़ो बैठ के। देखो यार, आप लोग तो बैठे होते हो घर पे, उधर आपने हीटर चलाए होते हैं, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आपने लिए, तो ये काम पाकिस्तान के पास नहीं होते हैं। उसको अपनी जान बहुत अजीज है, हर बनना हम सब ने, लेकिन जान की परवाह तो हमने करनी है। तो देखें, अकलमंदाना मशवरा यही है कि आप स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दें। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो 191 मिलियन डॉलर से आज 12.9 बिलियन डॉलर तक आ गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया, और ये काफी अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि जितना आपके पास जर मुबादला जखायर आएगा उतने आपके मुल्क के तरक्की करने के चांस ज्यादा होंगे। चीन के पास इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं, मेरे ख्याल से कुछ 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस, बाकी मुल्क आते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं ना कि पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 18-19 रुपए का एक चीनी युआन है, वो इसलिए क्योंकि उसे जानबूझ के अपना एक रुपया अपना कम किया ताकि वो सस्ती चीजें बेचे और दुनिया उसे चीजें ले, ताकि ये उसका मुनाफा है। वरना उसका हो तो ये 200-300 रुपये पर चीनी युआन हमारा है। तो इसीलिए अकल मंदाना मशवरा यही है, ये काफ़ी अच्छा ठोस इकदाम है। ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो अपने रिजर्व्स बढ़ा रहा है, ये काफ़ी अच्छा इकदाम है। अब लोग कह रहे हैं कि इससे ये महंगाई से रिजर्व्स बढ़े, हाँ ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि महंगाई की वजह से पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो भाई जब एक मुल्क पे, एक घर पे बुरे हालात आते हैं ना, तो आपको अपनी चीज, अपने एक्सपेंशन पर कट ऑफ करना पड़ता है, और जो आप बेच रहे हो तो उसको महंगा करना पड़ता है। तो आप इमेजिन करें, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 500 से 712, और अब ये कह रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस आया ये अब 191 मिलियन डॉलर से 13 बिलियन डॉलर तकरीबन तक आ गया। तो ये काफी अच्छा आलमी है। इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी करके, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की कर्जा बहुत जल्दी उतार लेगा। अच्छा, अचानक से डॉलर की एक ऊंची उड़ान हो गई है। वो डॉलर जो डेली बेसिस पे कम हो रहा था 157 था, वो 160 तक चला गया। पाकिस्तानी कौम बड़ी पागल हो गई, इमरान भाई ये क्या कर दिया है, अल्लाह अल्लाह करके डॉलर 10 रुपये नीचे था, अपने 3 रुपये और बढ़ा दिया। देखो यार, स्टॉक एक्सचेंज रेट में ये होता रहता है उतार चढ़ाव। पहले 10 रुपये ऊपर, 10 रुपये नीचे गिरे तो 3 रुपये ऊपर बढ़ने से भी हम अभी भी खसारे में नहीं गए, अभी भी फायदा है 7 रुपये का, अभी भी हमारे पास फायदा है। थोड़ी सी और हम मेहनत करते रहेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखो यार,
इस टाइम दुनिया के हालात बहुत ख़राब है, हर हर मुल्क दूसरे मुल्क का मकरूज है, हर मुल्क ने दूसरे मुल्क से कर्ज लिया है, इवन जो अमीर तरीन मुल्क है उन्होंने भी एक दूसरे से कर्ज लिया है। तो इस टाइम ये जो दुनिया है ये कर्जों पे चल रही है और काफ़ी मुश्किल हालात पे ये चल रही है। और इस कोरोना और इस पेंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको 277 से 280 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप खुद अंदाजा करें पूरी दुनिया की जो GDP है वो तकरीबन को 500 हज़ार ट्रिलियन की इक्वल होगी। ये बहुत बड़ी बता दी है, 300-400 ही होने से ज़्यादा नहीं होनी। अगर लेट्स सपोज कल पेंडेमिक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जीरो पे हम खड़े हैं, कोई पेंडेमिक नहीं है, 3 महीने गुजर गए, ना केसेस आए ना अमवाते रिकॉर्ड हुए हैं, बिल्कुल दुनिया जो है कोरोना फ्री हो चुकी है, तो फिर भी दुनिया को तकरीबन एक तिहाई लाजमन लगेगी ये 277 से तकरीबन 280 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसलिए क्योंकि 5-7 ममालिक तो वैसे रिसेशन में है, जिसमें से आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका, कनाडा, ये वो बड़े बड़े ममालिक हैं जो रिसेशन के दलदल में इस टाइम फंस चुके हैं। ये जब तक रिसेशन से नहीं निकलेंगे तब तक दुनिया का कुछ नहीं होगा। अगर लेट्स सपोज ये रमज़ान खत्म हो जाता है, अगले ये जो भी आएगा रमज़ान मुबारक 2021 के, तो उसके 10-12 साल बाद के जाके दुनिया स्टेबल होगी। जो भारतीय इकोनॉमी है वो काफ़ी हफ्ते में उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और ये काफ़ी अच्छा है कल में, क्योंकि देखो यार भारत जैसा मुल्क जिसकी आबादी 125 अरब के करीब है वो रिसेशन में है, लेकिन हम क्यों नहीं उसकी आबादी उसकी इकोनॉमी का क्यों नहीं हम कह रहे, क्योंकि वो रिसेशन में है। अभी तक इंडिया स्टिल ऑन द ब्लैक टैक्स, इज ऑन इन द ब्लैक टैक्स। इंडिया का करना बहुत लाजमी है क्योंकि ये पूरे खत्ते के लिए एक अहम चीज़ है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है। अच्छा, इंडिया का तरक्की करना ना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 24% जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड कर चुकी है अपनी इकोनॉमी को। कॉन्ट्रैक्ट का आपको मतलब मैं पहले बता चुका, शॉर्टकट था तो क्या आपके पास पैसा नहीं होता, आप दूसरे मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट तो क्या मुझे पैसा दे दो, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके मुल्क के पास पैसे नहीं होते, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं होते, वो आपके लिए एक किस्म का जाल होता है। कॉन्ट्रैक्ट का ये भी मतलब होता है आप नेगेटिव ट्रेडिंग करते हो, नेगेटिव ट्रेडिंग ये होता है कि जब आपके मुल्क के पास पैसा नहीं होता, डॉलर्स नहीं होते, लेकिन आप पैसे छाप रहे हो, और पॉजिटिव ट्रेडिंग ये होती है कि आपके पास डॉलर तो है, एक बैकअप तो है डॉलर की सूरत में, लेकिन नेगेटिव ट्रेडिंग में ये नहीं होता। आगे अल्लाह बया, लेकिन ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है भारतीय लोगों के लिए कि उनकी इकोनॉमी डेवलप हुई है। दुआ मेरे लिए यही है, हम पाकिस्तानियों के लिए दुआएं भेजते हैं भारतीय लोगों की, आप इसी तरह हम सब मेहनत करते रहें ताकि ये जो 280 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है इसको हम नीचे ले। अच्छा, ये एक फुटबॉलर है जिसका नाम मुझे बड़ा जीप वियर डाम है, लेकिन स्कॉटलैंड में, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल आशीष से मिलती है, आशीष चंचलानी, और आशीष चंचलानी के में वो करेक्टर जो वो बाप के रोल में प्ले करता है, इतनी उसकी मिलती है शक्ल कि मैं भी जब मुझे गूगल पे मैंने देखा तो मैं कहता हूँ हैरान, मैंने कहा ये कैसे स्कॉटलैंड में खेलना शुरू हो गया, वो बाहर में रिसर्च करके पता चला कि नहीं ये एक ही शक्ल के दो लोग बैठे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप नया आ गया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सदर अशरफ गनी साहब से मुलाकात हुई है, अफगान प्रेसिडेंट। देखो ये दो मुल्क काफ़ी लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मुस्लिम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये दाइश है, ये जो तालिबान है, ये जितने भी हैं ये अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान सोचता कि पाकिस्तान से आए हैं, तो ये दो मुल्क इस दाइश और तालिबान की वजह से कभी तरक्की नहीं कर पा रहे। पास्ट 2 decades ओबामा का दौर था, उसके बाद जो ओसामा बिन लादेन का दौर था, इसकी वजह से ये कभी तरक्की नहीं कर पा। सोने पे सुहागा अमेरिका तो वैसे ही चाहता कि ये मुस्लिम उम्मा तरक्की ना करे, तो ये दोनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इमरान भाई ने इतना प्यारा मैसेज दिया कि मैं बहुत टाइम से चाहता था यहाँ पे कबूल में आना, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि देखें अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा यूनाइट हो जाए ना एक दफ़ा, तो इस दुनिया को, तो इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन यहाँ पे फिरका वाले जितनी है कि हम खुद ही अपने एक दूसरे को मारें, तो काफ़ी अच्छा साइन है। वर्ल्ड एनिमी और आपकी इसी मेहनत की वजह से पूरी पाकिस्तान आपको सल्यूट पेश करती है। एक अफसोसनाक खबर यह है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान के जो खबर तक पता चल गई, क्योंकि खदम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, जो उनके सरबराह, वो इंतकाल कर गए हैं। हाफिज़ कुरान भी थे, शेखुल हदीस भी थे, आशिक़े रसूल भी थे, और मेरे ख्याल से अगर जुनेद जमशेद के बाद अगर मैंने किसी का इतना बड़ा मजमा देखा तो वो ये शख्स है, मतलब जुनेद जमशेद से भी बड़ा, मतलब फैबुलस। मुनार पाकिस्तान जो लाहौर का जो द ग्रेटर इकबाल पार्क का, वो भी फुल था, फ्लाई ओवर भी फुल था, उसके तराब भी फुल थे, बादशाह मस्जिद भी फुल थी, पूरा मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान उठ के इनके नमाज़ जनाज़ा पढ़ने आ गए। हमें
हर मुस्लिम बंदे से इसी तरह की अकीदत रखनी चाहिए। हाँ तारे जमील हो, हाँ इमरान खान हो, हाँ नवाज शरीफ हो, हाँ सरदारी हो, हाँ जो मर्जी हो, हमें इसी तरह की उनसे अकीदत रखनी चाहिए एज अ मुस्लिम। मैं तो आपको ये पैगाम दूंगा कि जब भी कोई मुस्लिम भाई आपका जाने वाला दोस्त ना जाने वाला फोत हो और आप उस रास्ते से गुजरें, एक दफ़ा उधर बैठ के आप अफसोस कर लें, और नहीं कर सकते तो उससे बाहर ही खड़े हो कि उस मरहूम के लिए दुआ कर लें अल्लाह तो इसे जन्नत दे। बुरी खबर के साथ एक और बुरी खबर, वो ये है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, जहाँ पे जो बढ़ रहे ना गया वहाँ पे केसेस और बढ़ गए हैं, केसेस बाउंस बैक होके जो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 200,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं प्लस 2,000 नंबर आते हैं। ये जुम्मे के दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, जुम्मे के दिन यानी कल के दिन 2,000 अमवाते और 200,000 केसेस, मतलब पीक पकड़ लिया। अब आप इसे अंदाजा लगाने के जो फर्स्ट लेयर की जो पीक थी वो इतनी डेंजर नहीं थी जितनी सेकंड लेयर की स्टार्टिंग है। सोचे जब सेकंड लेयर की पीक आएगी सेकंड लेयर की तो कितने केसेस निकल के आएंगे। अभी हफ्ता 10-15 दिन पहले कुछ 7-8 लाख केसेस पूरी दुनिया से आए, ये भी रिकॉर्ड है। ये भी बता रहा है कि देखो यार जब फर्स्ट लेयर थे वो भी बता रहा है कि भाई तू बात चाहो सेकंड, जो मेरा जो फर्स्ट लेयर था वो इतना अच्छा नहीं था, जब सेकंड लेयर तुम देखना है, ये भी ट्रेलर है पीछे अभी बाकी है। तो फर्स्ट लेयर के जो पीक था वो तक खतरनाक थे जैसे सेकंड ईयर का स्टार्टिंग है। तो अल्लाह पास हमें बचाए। तो अगर आपको मेरी ये वीकली वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में जो कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सो वीकली वीडियो भी होनी है या मैं ऐसे कि क्रिप्टो बीच में आ जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। हाय।